Prime Minister Narendra Modi is all set to hold four rallies in West Bengal today in order to boost the campaign for BJP. Earlier, PM Modi had addressed rallies in West Bengal's Krishnanagar, Purba Bardhaman and Bolpur Lok Sabha constituencies. The PM has also said that the ruling state government, TMC, will not even win 15 seats this time in the Lok Sabha polls. In the previous general elections in 2019, the BJP won 18 seats against 22 seats that were won by the TMC. The Congress had dropped down to 2 seats during those elections. Renik Datta is joining us for more details on this story. Renik, the Prime Minister to be in West Bengal today. What all is on his agenda? एकदम देखिए चौथे चरण का मतदान होने जा रहा है और उसके पहले ही पांचवें चरण के लिए बीजेपी का ये जो प्रचार ये प्रचार चल रहा है और उसी प्रचार में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में आ पहुंचे हैं। कल रात को ही वो कोलकाता आ पहुंचे हैं, कोलकाता के राजभवन में वो नाइट स्टे किए और उसके बाद ही आज सुबह से उसका 4 पब्लिक मीटिंग अटेंड करना है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का जो 3 डिस्ट्रिक्ट में 4 जगह में वो पब्लिक मीटिंग अटेंड करेगा। जैसे कि शेड्यूल है उनका कि सुबह 11 बजे प्राइम मिनिस्टर पहला बैरकपुर में जो पब्लिक मीटिंग अटेंड करेगा, उसके बाद ही उधर से आरामबाग, हुगली और उसके बाद लास्ट में शाम को आज हावड़ा में वो पब्लिक मीटिंग अटेंड करेंगे। इसमें दिखना होगा कि ये जो बीजेपी का ये जो 4 जगह में पब्लिक मीटिंग होने जा रहा है, इसी 4 जगह को बहुत ही महत्वपूर्ण जगह कहा जा रहा है बंगाल के लिए बीजेपी के, क्योंकि बैरकपुर के लिए बात हो रहा था जिसपे प्राइम मिनिस्टर आज सुबह 11 बजे पब्लिक मीटिंग अटेंड करेंगे। उधर अर्जुन सिंह कॉन्टेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के होकर और दूसरी तरफ टीएमसी का मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल का मिनिस्टर पार्थ भौमिक टीएमसी का उम्मीदवार है। और इसी बीच में प्राइम मिनिस्टर का ये जो पब्लिक मीटिंग बैरकपुर में होने जा रहा है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि बैरकपुर का बार बार से डिमांड था कि जो कारखाना जो इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री सेक्टर को क्या क्या दिया जा सकता है, इंडस्ट्री सेक्टर को किस तरीके से डेवलप कर जा सकता है, बैरकपुर का ये डिमांड था। इसी जगह से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कौन से मुद्दे को लेकर बयान दिया जाएगा, कौन से मुद्दे को सामने ले आया जाएगा, बैरकपुर का कौन से इशू प्राइम मिनिस्टर की तरफ से समय किया जाएगा, इसमें नजर रहेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए हावड़ा आरामबाग ये जो 2 जगह है, ये 2 जगह के ऊपर भी फोकस है बीजेपी का और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर का आज ये जो पब्लिक मीटिंग, ये दोनों जगह का जो पब्लिक मीटिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस पब्लिक मीटिंग से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस किया जाएगा, लोकल कोई इशू को सामने ले आया जाएगा कि नहीं, क्योंकि हावड़ा के अंदर में ही हावड़ा का रेलवे स्टेशन जो कि पूरा नेशन में कनेक्टेड है, इंटरस्टेट जो रेलवे स्टेशन वो उधर मौजूद है और उसके साथ हावड़ा में कुछ ही दिन पहले हावड़ा मैदान में जो अंडरग्राउंड मेट्रो उद्घाटन हुआ था उसको लेकर कोई बयान दिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.